आफ्टर मेनी डेज आपका भाई हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग की शुरुआत में मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। वो कहानी आपने पहले से सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं पेशे खिदमत है, और अगर सुन लिया तो दोहरा लें। जब शाहीन जो होता है वो बुढ़ा हो जाता है तो उसके नाखून बढ़ जाते हैं और उसकी चोंच जो होती है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है और एक टेढ़ी सी हो जाती है, जिसकी वजह से ना वो शिकार कर सकता है, पकड़ सकता है अपने पंजों में, ग्रिफ उसकी कमज़ोर हो जाती है और ना वो कुछ खा भी सकता है। तो इसके इलाज के तौर पे वो जाता है, किनारा करता है दुनिया से और पहाड़ों में जाके बस जाता है कुछ अरसे के लिए। और एक तवील अरसा वो अपने आप पर मेहनत करता है, अपने नाखून तोड़ता है, पत्थरों पे मार मार के अपनी चोंच तोड़ता है और अपना एक एक पंख निकाल कर फेंक देता है। अलगर्ज ये कि वो अपने आप को पूरा एक अपडेट करता है और अपग्रेड करता है, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वापस आता है और फिर पहले से बढ़कर ऊंची उड़ान भरता है। उसके साथ साथ शिकार भी बड़े ज़बरदस्त करता है और खाता पीता भी टाइट है। और ये चंद माह की अजियत उसको कई सालों की ज़िंदगी अता करती है। तो बताने का मकसद ये है कि आपका भाई भी अपने आप पर वर्क कर रहा था और ये चाहता था मैं कि आपके लिए पहले से बेहतर और इंतहाई ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आऊँ, जिसके लिए मुझे कुछ वक्त की ज़रूरत थी ताकि मैं अपने आप पर वर्क कर सकूँ। और अगर तो ज़रा कूल बनने की कोशिश करूँ तो मेंटल पीस, तो इसके लिए मैंने ज़रा किनारा इख्तियार किया हुआ था, लेकिन अब आपका भाई वापस आ चुका है तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सीन चेंज हो गया और बाल कटवाने हम बाद में जाएंगे, पहले हम लोग खेलेंगे क्रिकेट। तो और हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी जुनैद, साद और हसीब। चलते हैं क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के बाद आपसे मिलते हैं हम सैलून में। ओए हो, सैलून क्या होगा, 30 रुपये वाला नहीं होता, जो सिर्फ शीशा रख के बैठ जाता है और कुर्सी उस पर बैठो और 30 रुपये में बाल कटवाओ। ओए 30 रुपये वाले नहीं के पास सिर्फ कितने होती है, खत कितने का बनाते हो? तो अच्छा, मैंने 30 कम बोल दिए भाई, उनका भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो जाएंगे और 150 रुपये में खाते और बाल बनवाएंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे, अभी हम लोग खेलते हैं क्रिकेट। आ जाओ, क्रिकेट के मनाजर दिखाते हैं आपको। वो तेरी खैर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चलो भाई बॉल पे आ गई। कैमरा बजी है भाई। तो जुनैद की बैटिंग से तो हमारे पसीने छूट गए और अभी 7 को ओवर दे दिए हमने। जुनैद क्या कर रहा है यार तू, मैंने मजाक किया था यार, तू सीरियस ले गया? बोल्ड मार रहा था तेरा, बोल्ड मार रहा था। हाँ, अब वो ये डालेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं। ये भी हार चुके हैं, ये भी ऑलमोस्ट हार चुके हैं और इनकी तो अभी मुश्किल से बैटिंग भी नहीं मिली। Yeah.
क्या समझा तू इससे? एक चीज क्या समझा? स्ट्रिंग तू समझा? तू समझा नहीं ना? समझा नहीं, एक चीज है उसको उस पे गौर फिकर कर थोड़ा, एक जगह तक। नाई से पहले हम लोगों ने क्रिकेट खेली, इरादा हमारा एक्सपो सेंटर का था, लेकिन जुनैद भाई ने तरमीम करवाई और हमें हमारी सही वर्जिश कराई उन्होंने। तो फिर हम मगरिब के बाद हमने बाल कटवाए और अभी कुछ खा पी के हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी, अभी घर घर का इरादा है। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।